नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीता कॉर्नर में। आज लेके आई हूँ फ्रेंड्स राजस्थान की एक बहुत ही फेमस पितौड़ की सब्जी की रेसिपी, जिसे हम बिना प्याज बिना टमाटर के बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी बनती है और बनाना काफ़ी आसान है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक और शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही ईजी और चटपटी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में लेंगे एक छोटी कटोरी बेसन। बेसन आप अपने ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा साबुत जीरा, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा गरम मसाला। ये जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वही लिया है हमने, और बस हींग डाला है एडिशनल में। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और बेसन थोड़ा सा हैवी होता है, तो हींग जरूर डालेंगे। फिर उसी कटोरी से एक कटोरी हमने पानी लिया है और अच्छे से इसको हम घोल लेंगे बिना कोई लम्स का। तो इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से विस्क कर लेंगे। और ये देखिए, ये बिना गुठली की घोल तैयार है। अब यहाँ पे हमें और पानी डालना है, तो जिस भी कटोरी या बर्तन से आप बेसन ले रहे हैं ना, उसी से ढाई कटोरी टोटल पानी लेना है। तो एक कटोरी हमने पहले लिया था और डेढ़ कटोरी यहाँ पे बाद में लिया है। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा घोल तैयार हो गया है पितौड़ की सब्जी के लिए। अब इसे हमें पकाना है, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे एक पैन हमने रख दिया है गैस के ऊपर, फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे रखा है और सारे बैटर को इसमें हम ऐड करेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म होता है ना, वैसे वैसे ये जमने लगता है, लम्स पड़ने लग जाता है, इसलिए इसे लगातार हमें चलाना है। इस रेसिपी में मेहनत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि इस बेसन को पकाने में हमें लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो लगातार इसे चलाते हुए ही पकाएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए, जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा, तो इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, अच्छे से पका लेना है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तब तक हमें, और ये सारा मिक्सचर एक जगह इकट्ठा होने लगे तब तक इसे पका लेना है बिल्कुल इस तरह से। और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, यानी बिल्कुल ये बैटर फैलना नहीं चाहिए। यदि ये गीला रह जाएगा तो पितौड़ जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और टूटने भी लग जाएगा, इसलिए इस बैटर को पकाना ज़रूरी है अच्छे से। एक जगह सारे मिश्रण इकट्ठा होने लगे, बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए, तब तक इसे हम पका लेंगे। बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बेसन की, और उसे हम किसी भी प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। उल्टे साइड में निकाल रही हूँ ताकि इसे हमें निकालना आसान हो, और उसमें हमें तेल घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो पैन में बेसन लगी है ना फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा पानी डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि उस बेसन को हमें यूज करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे जो भी हमारी कलछी में लगी है या फिर हमारे पैन में लगा है। अब इस बेसन को हमें अच्छे से फैला देना है, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो उसी तरह से जम जाएगा। तो फटाफट इसे हम फैला लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहेगी और बहुत पतली भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल मीडियम साइज़ की, जैसे बर्फ़ी की मोटाई होती है ना, सेम उसी तरह से इसको फैला के हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जल्दी हो तो पंखे के नीचे रख दें, बेसिकली इसे हमें ठंडा करना है। जितना जल्दी ठंडा होगा उतने ही जल्दी हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, 10-15 मिनट मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग काट सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली पितौड़ की जो सब्जी होती है ना, वो बर्फी स्टाइल की, यानी कि कतली, काजू कतली के शेप में कटती है। तो पहले सीधा सीधा हमने काट लिया, फिर थाली को थोड़ा सा तिरछा करके फिर से सीधा सीधा कट लगा दिया, तो इस तरह से ये बर्फी के डिज़ाइन का निकल के तैयार हो गया है। तो ये हमारी कतली बहुत ही सॉफ्ट बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब अच्छे से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये टूटने का भी डर रहता है। तो ये देखिए, हमारी ये कतलियाँ यानी कि पितौड़ बिल्कुल बनके तैयार है बेसन वाली। और इसे आप ना तेल में फ्राई करके भी, सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं, काफ़ी चटपटी और टेस्टी लगती है। तो आप इसे चाहे तो आधा फ्राई करके खा लें और आधा सब्जी बना के खा लें, चाहे जैसे भी इच्छा हो आप इसे खा सकते हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में, और ग्रेवी के लिए आप बना लेते हैं एक दही का मिक्सचर, क्योंकि हमने बताया कि इस रेसिपी में हमने ना प्याज ना लहसुन ना टमाटर का यूज किया है, सिर्फ दही से इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो गाढ़ी वाली दही लेनी है और खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें डालेंगे बेसिक वाले मसाले, जैसे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाला है, और अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। कोई भी गुठलियाँ या फिर कोई भी दाना नहीं होना चाहिए दही में, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर हो जाना चाहिए। और इसमें हम अभी नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब एक कढ़ाई ले लिया है, उसको गर्म करेंगे। यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच तेल उसमें गर्म कर रही हूँ, और मैंने यहाँ फिर रिफाइन ऑयल लिया है, आप सरसों का तेल में भी बना सकते हैं। उसमें डाला थोड़ा सा जीरा और थोड़ी राई यानी कि सरसों के दाने, दो सूखी लाल मिर्च डाला है, और अदरक, और मैंने लिया है हरी मिर्ची,
कूट के ले लिया दरदरा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर बारीक बारीक काट के भी ले सकते हैं। लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद इसमें हम कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हींग डाल देंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 2 मिनट छोड़ देंगे, कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी कर लेंगे इस तड़के को बनाने के बाद। उसके बाद हमने जो दही का बैटर बनाया था, दही का मसाला जो बनाया था, उसको ऐड करेंगे। तो दही की कोई भी रेसिपी बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि गर्मा गर्म तेल में या फिर कढ़ाई में दही का बैटर ना डालें। उससे क्या होता है, दही फट जाती है, टेक्सचर पूरा ख़राब हो जाता है, सब्जी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और दही का मिक्सचर डालने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें इस तरह से उबाल ना आ जाए। तो लगभग 2-3 मिनट आपको लगातार चलाना पड़ेगा। और ये वही पानी है बेसन वाला जो हमने पैन में रखा था, मतलब पैन में पानी डाल दिया था और उसको अच्छे से मैंने खरोच के और कटोरी में निकाल लिया था। इससे क्या होगा कि ये जो ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उसमें बेसन की मात्रा है, तो अच्छे से ये गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा इस ग्रेवी का। उस बेसन वाले पानी को डालने के बाद हम 2-3 मिनट इस ग्रेवी को पका लेंगे ढक के, और 2-3 मिनट के बाद हमें जितना गाढ़ा चाहिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जब हम अभी पितौर डालेंगे, यानी कि जो बेसन की कतली हमने बनाई है वो इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे और इस स्टेज पे सारी कतली यानी पितौर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जितना भी आपको ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और बाद बाकी आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कतली को ऐड कर दिया है और इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, बस कढ़ाई को पकड़ के थोड़ा सा हिला देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और सबसे लास्ट में डालेंगे हम नमक और थोड़ा सा गरम मसाला बस, और इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को 1 मिनट के लिए हम रहने देंगे और सबसे लास्ट में डालेंगे हम इसमें धनिया का पत्ता, हरा धनिया, और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। तो ये जो पितौड़ है फ्रेंड्स, इसको डालने के बाद हम मुश्किल से 1 या 2 मिनट पकाएंगे, खुले में पकाएंगे, ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा फ्लफी है, तो उसके अंदर ऑलरेडी सारा जो ग्रेवी है, नमक मसाले, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नमक सबसे लास्ट में डालना है और दही को ठंडे कढ़ाई ठंडे तेल में डालना है बस, नहीं फटेगा। यही 2 चीज़ करेंगे तो दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पितौड़ की सब्ज़ी बनके तैयार है। ये इतना ज़्यादा डिलीशियस होता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी जो सीज़न चल रहा है जिसमें मार्केट में सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं आ रही है, सारी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा रेट में मिल रही है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, इस स्टेज पर आप ये बेसन वाली, बेसन और दही से बनने वाली चटपटी सी टेस्टी सी सब्ज़ी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स। रोटी या पराठा के साथ इसे सर्व कीजिए, मस्त लगती है। तो आज की ये चटपटी और टेस्टी वाली रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना कीमती फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।